तो मुझे कौन बताने वाला है कि ये बाइक कौन सी है और इसको मॉडिफाई किया है मेरे एक भैया ने, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रॉम साइलेंसर टू बॉडी, और काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं इसमें, और उसके बावजूद गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ऊपर से उसका जो पिकअप वगैरह है वो भी काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे एयर फिल्टर वगैरह चेंज किया गया है यूएन का। तो आपको कैसा लग रहा है बाइक का डिज़ाइन, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंजन को यहाँ पे बफ किया गया है ताकि मतलब जो शाइन वो अच्छे से आए, और यहाँ पे थोड़ा अलग अलग कलर का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है तो थोड़ा फंकी डिज़ाइन लगेगा, इसलिए यहाँ पे पूरा डिज़ाइन, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन जैसा भी है बाइक का मतलब काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और सिंपल सा ही है। तो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो मॉडल अभी बनाया गया है ये आपको उसका स्कैम्बलर से ही जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा देख के इसको भी बनाया गया है और काफ़ी सिंपल सा ही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है इंडिकेटर, और इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपका हेडलाइट एंड डिपर, और उसके नीचे आएगा आपको हॉर्न का स्विच, और टैंक यहाँ पे यूज़ किया गया है यामाहा RX 100 का, और मीटर जो है ये मैंने ऑनलाइन से मंगवाया था, मतलब भैया ने ऑनलाइन से मंगवाया था, और इसका हेडलाइट में भी यूज़ किया गया है यामा RX 100 का, जो हेडलाइट आता है उसी को यूज़ किया गया है। और उसके बावजूद यहाँ पे इसका जो साइलेंसर है उसको मॉडिफाई करके मतलब कंप्लीट साइलेंसर को ही मतलब हैंडमेड बनाया गया है, एक्सपेंशन चैम्बर इसको बोला जाता है, और इससे क्या होता है आपका जो बाइक का पिकअप वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा इसका जो साउंड होता है वो और ज़्यादा मतलब एनहेंस कर देता है बाइक का एग्रेशन को। और टू स्ट्रोक में एक्सपेंशन चेम्बर पहले काफ़ी यूज़ हुआ करता था, अभी भी उसका डिमांड काफ़ी है, लेकिन थोड़ा ट्रैफिक में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर बाइक चलाने का मज़ा लेना है तो एक्सपेंशन चेम्बर आप किसी भी टू स्ट्रोक में इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं लास्ट में बता देता हूँ ये जो बाइक है ये है सुजुकी MAX 100, और यहाँ पे जो बैकलाइट है इसको राजदूत का टेल लाइट यहाँ पे यूज़ किया गया है, और काफ़ी विंटेज लुक इसमें दिया गया है ताकि जो डिज़ाइन है थोड़ा डिफरेंट भी लगे और अच्छा भी लगे।